मैडम, आप इलेक्शन कमीशन में आई हैं, चुनावी नतीजे के हवाले से आप क्या कहती हैं? मैं तो बेटा ये कहती हूँ कि मैं तो जीत चुकी हूँ, सारे सहाफियों को पता है, मेरे सर्वे का टीवी चैनल वालों को भी पता है, मगर चंद दिन हुए ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहा था टीवी के ऊपर आकर, तो मैंने शहर सियालकोट के तमाम सहाफियों को बुलाकर अपने 350 फार्म रखकर ऊपर कुरान रखकर मैंने हाथ रखा था कि ये मेरे ओरिजिनल है और इस कुरान की मुझे कसम ये ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहा है, हार चुका है 52,000 से, मैं जीत रही थी। जब मैं आरओ के पास गई तो देखो मेरा हाथ और अंगूठा, उन्होंने मेरे बाजू मरोड़े और जो मेरे साथ थे लोग थे उनके पास तशद्दुद किया, आरओ ने मुझे अंदर ना जाने दिया। मैंने उससे बड़ी इल्तिजा की कि मैं कैंडिडेट हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, मेरा राइट है जाने का, मगर उन्होंने जोर कोप लोगों को किया, मेरे बाजू को भी चोट ला दी। तो मैं ये पूछती हूँ कि ये क्या हो रहा है? मैंने अपनी जिंदगी में बेटे इलेक्शन भी देखे, हुकूमतें बदलती भी देखी, वोट भी दिया, जो आज मैं देख रही हूँ वो मैंने कभी नहीं देखा, मुझे अफसोस है इस बात का।